प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर माता श्री नैना देवी की पावन नगरी अब हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता में भी अव्वल आई है। श्री नैना देवी में वर्ष भर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है, इसके बावजूद प्रदेश भर में सफाई में पहला स्थान हासिल करना काबिले तारीफ है। स्वच्छता के क्षेत्र में पावन नगरी नैना देवी को पहले छठा स्थान मिला था, लेकिन उसमें सुधार करते हुए माता का धार्मिक स्थल अब पूरे हिमाचल प्रदेश में साफ सफाई में पहले नंबर पर आ गया है, जो स्थानीय नगर परिषद प्रशासन, मंदिर प्रशासन और स्थानीय लोगों के लिए गर्व की बात है। ये धार्मिक स्थल यहाँ पर हर समय श्रद्धालुओं और पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ पर साफ सफाई बेहतर रखनी एक बड़ी जिम्मेदारी है, हालांकि उसमें फिर नंबर वन पर आना दर्शाता है कि किस प्रकार यहाँ पर प्रशासनिक अमले ने काम किया है। इसका श्रेय नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी एसडीएम सुभाष गौतम को जाता है, जिन्होंने कई तरह की योजनाएं तैयार कर इस शहर में साफ सफाई को बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में श्री नैना देवी जी नगर परिषद जो है वो पहले स्थान पर रही है। इस कैटेगरी में कि जो शहर 25,000 से कम जनसंख्या वाले नगर परिषद या नगर पंचायतें हैं, तो इसमें जो है पहला स्थान प्राप्त किया है नगर परिषद नैना देवी ने। और पिछले साल जो है ये रैंकिंग जो है 6वें नंबर पे थी, छठे स्थान पर हम रहे थे 2019 की जो रैंकिंग थी। तो इसके लिए जो एक तो मैं श्रेय देना चाहूँगा जो सामंजस्य और जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन रही है टेम्पल ट्रस्ट के बीच में और नगर परिषद के बीच में, तो उसको श्रेय जाता है। और स्थानीय लोगों का जो सहयोग रहा है स्वच्छता को मेंटेन करने में, तो इसके तहत खासकर में जो हमारी डोर टू डोर कलेक्शन का जो सिस्टम है वो एक बहुत अच्छा सिस्टम है। उसके साथ ही जो लोगों ने घर पे अपना कूड़ा सेग्रीगेट किया है, उसका पृथकीकरण किया है, वो एक सफल रहा है। साथ में हमारी जो हमारी MRF फैसिलिटी है वो अच्छी मेंटेन्ड है, जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है, इसके साथ जो प्लास्टिक बायबैक पॉलिसी है उस पर अच्छा काम हुआ है नगर परिषद में। तो सभी लोग जो है नगर परिषद सीडी नैना देवी जी में जो रहने वाले हैं उनके सहयोग के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और भविष्य में भी जो है हम इसको और बेहतर करेंगे ये कामना करता हूँ। हालांकि शुरू शुरू में लोगों को दिक्कतें जरूर हुई, लेकिन जो परिणाम आज आए हैं वे अपने आप में गर्व महसूस करने वाले हैं। नैना देवी में घर घर से कूड़ा एकत्र करना, इसके अलावा घरों में ही सूखे और गीले कूड़े को अलग अलग करना, इसके अलावा प्लास्टिक का कूड़ा अलग किया जाना, कई तरह से ऐसे व्यापक कदम उठाए गए हैं जिसकी वजह से श्री नैना देवी जी नगर परिषद हिमाचल प्रदेश में पहले नंबर पर आई है। नगर परिषद श्री नैना देवी जी एवं यहाँ की समस्त जनता के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि नगर परिषद श्री नैना देवी जी को पूरे हिमाचल में स्वच्छता अभियान में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका श्रेय नगर परिषद के सभी कर्मचारियों को, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग, स्थानीय दुकानदारों को जाता है जिनके प्रयासों से ये संभव हो पाया है। हमारे ईओ का चार्ज भी यहाँ के SDM आदरणीय श्री सुभाष गौतम जी के पास है, वो भी समय समय पे सफाई की समीक्षा करते रहते हैं और पूरा यहाँ का ध्यान रखते हैं। नगर परिषद भी फ्यूचर में भी इसका ध्यान रखेगी कि सफाई जो व्यवस्था है इससे भी बेहतर हो पाए। नैना देवी नगर परिषद के द्वारा जो सफाई का कार्यक्रम चलाया था उसमें शुरू शुरू में हम लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही थी, बाद में जब हम इसके बारे में पूरा समझ चुके थे और काम चला तो हमारे सब दो दो कूड़ादान नगर परिषद को दिए गए थे। हम उसमें जो गीला और सूखा कूड़ादान अलग अलग डालते गए और कर्मचारी के वर्क टाइम से आता रहा, उठाता रहा और उसमें सफाई रही। यात्रियों को भी हमने कोऑपरेट किया और यात्री भी काफ़ी उसमें समझे। उन लोगों ने भी जो कूड़ा करके बाहर नहीं फेंकते थे वो भी डस्टबिन में डालते थे, और नगर परिषद ने जगह जगह खुले में भी ये रखा हुआ है कि कूड़ादान लगाए हुए हैं और यात्री वहाँ सुचारू रूप से डाल देते हैं। यही परिणाम कि आज नगर परिषद सफाई के इस कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर आई है और हमें भी इसमें बड़ी खुशी है। जय माता। शुरू शुरू में तो इसकी दिक्कत आई, लेकिन बाद में सभी लोगों को जैसे जैसे पता लगा, जागरूक हुए, तो लोगों ने सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग रखना शुरू कर दिया और साथ ही प्लास्टिक को अलग करना शुरू कर दिया, और आस्ते आस्ते जैसे जैसे आदत पड़ती गई और ये कूड़ा अलग अलग रखना शुरू कर दिया, और इसी के कारण नगर परिषद जो है वो प्रथम
सफाई में प्रथम नैना देवी आई। खुशी है कि नैना देवी ये सफाई में ये प्रथम आया है, इससे ये लोगों का भी सहयोग है, लोकल दुकानदारों का भी बड़ा सहयोग है, उन्होंने भी यहाँ पर सफाई में अच्छा योगदान दिया है, इसे हमें बड़ी ही खुशी हुई कि नैना देवी 3-4 साल से अच्छी सफाई व्यवस्था कर रही है। दोनों टाइम सफाई करनी, सुबह और शाम कूड़ा सर्गेशन में काम करना, सड़कों की बूटी काटना, सब कुछ करना पड़ता है। तो सारा ये काम कर्मचारी, कितने कर्मचारी टोटल? 26 कर्मचारी। सिटी चैनल के लिए नैना देवी से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।